जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपटकर, सोने में भी सिमटकर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के भंडवानी जिले के निवाली तहसील के सेंदड़ी गांव निवासी भारतीय सेना के जवान हरि ओम तोरेल का निधन हो गया। उनका गुरुवार को उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ दाह संस्कार कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके निधन पर दुख जताते हुए शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। ग्राम सिंदड़ी के सरपंच और सैनिक के भाई गेंदाराम तोरेल ने बताया कि मंगलवार देर रात उनके निधन की सूचना मिली। परिजनों के साथ हम बुधवार को कोलकाता पहुंचे, जहां आर्मी ब्रिगेडियर ने बताया कि उनकी तबीयत खराब थी और किडनी के साथ अन्य इन्फेक्शन बढ़ने के कारण उनका निधन हो गया। गुरुवार को सुबह उनका पार्थिव शरीर गृह गांव सिंदड़ी पहुंचा। उन्होंने बताया कि हरिओम घर में तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी बचपन से इच्छा भारतीय सेना में जाने की थी। साल 2012 में वह भारतीय सेना में भर्ती हुए। लगातार अपने जुनून और जज्बे के साथ गश्त के साथ कई बड़ी मुठभेड़ में अपनी सहभागिता निभाई और आज जब उनकी सूचना आई तो परिवार और घर के सदस्यों को गहरा शोक जताया। साथ ही गांव के लोगों में शोक की लहर छा गई। अब उनके अंतिम संस्कार को लेकर गांव में तैयारियां चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर वीर जवान को नमन किया। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी जलती धूप में चलकर देख लेना, कैसी होती है मुल्क की हिफाजत, कभी सरहद पे चल के देख लेना, कि आंखों से आंसुओं की धारा रुकती नहीं है, रोते रोते गला बैठ जाता है, कभी उन वीर बलिदानियों के परिवार से मिलिए, एक अजब सी शून्यता होती है उनकी आंखों में, मानो इंतजार में पथरा सी गई हो वो आंखें, कभी कोई छंद भर याद भर भी दिला दे उन्हीं पथराई आंखों से, गंगा जमुना बह निकलती है। वीरगति को प्राप्त हुए जवान बेटे के पार्थिव शरीर को देखकर मां का कलेजा फट सा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।